आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज चैनल, सबसे तेज सबसे आगे। आज हम बात करते हैं सीतापुर। सीतापुर के कस्बा मिश्रक चौराहे पर तड़प रही महिला। चौराहा मिश्रक, अज्ञात वाहन ने बुजुर्ग महिला को मारी टक्कर, वाहन समेत ड्राइवर हुआ फरार। तमाशगीन देखते रहे तमाशा तड़पती रही महिला। निमिपिशप गोपाल त्रिवेदी जमवाड़ा देखते हुए पहुंचकर महिला को अपने निजी वाहन से सीएचसी मिश्रक पहुंचाए। देखिए आगे की रिपोर्ट। बेहोश हो गई थी, एक बार फिर से मानवता शर्मसार हो रही है। यहाँ पर मिश्रक नहर चौराहे पर, जहाँ से मात्र 10 मीटर दूर पर पुलिस चौकी है, वहां से आप देख सकते हैं कि इस माता को कितनी चोट लगी हुई है। ये नाक टूट गई है और ये सब चोट लगी है, पैर में बहुत सारी चोट है। आधा घंटे तक बेहोश पड़ी रही है महिला। मिश्रक की ये है घटना। आपको कुछ पता ही नहीं चला? कितनी देर तक आप सड़क पर रहे? कितनी देर तक आप सड़क पर पड़े रहे? काफी देर तक कोई आया नहीं। और जब यहाँ लाए जाते हैं तो ये लोग क्या बोलते हैं कि पुलिस वाले बुलाओ, अभी भर्ती नहीं करेंगे जब तक पुलिस वाले नहीं आएंगे, यही बोलते हैं ना? चलिए, ऐसा क्या हुआ था भाई साहब जब ये लेडीज वहाँ पे पड़ी हुई थी? मैं नैमिष जा रहा था जी, नहर चौराहे के चंद कदम दूर पहले ये महिला रोड पर पड़ी हुई थी, बेहाल बेहोश। वहाँ पर 50 लोग कम से कम खड़े हुए थे, कोई भी नजर नहीं आया उसकी सहायता करने के लिए। मैं गाड़ी से उतरा, उसको अपने पीछे सीट पर बैठाया और जब यहाँ हॉस्पिटल लेके आया, तो यहाँ पर मैं जब लेके गया रूम के अंदर वार्ड बॉय के पास, तो वो हमसे बोल रहा है यहाँ पर पुलिस वाले बहुत दिक्कत करते हैं, पहले इसकी कंप्लेंट करिए तब इसकी दवाई दी जाएगी। जिनका नाम राम कुमार करके कुछ था, मिश्रा ऐसे ही, राजकुमार मिश्रा, राजकुमार मिश्रा जी। तो जब हमने ऐसा सुना तो हमने कहा ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ, कोई भी आए, फिलहाल मैं जा रहा हूँ थोड़ा जरूरी काम से। मैं वहाँ गया, फिर तुरंत वापस आया, फिलहाल उन्होंने दवाई दे दी थी। उसको लेके कोई भी जनरल पर्सन जो है मायूस होगा, क्योंकि आए दिन रोड पर एक्सीडेंट हुआ करते हैं, कोई भी आगे नहीं आएगा, ऐसी वार्तालाप करते हैं ये लोग। तो ये जो माता जी घायल हुई थी वहाँ पे, जिनका एक्सीडेंट हुआ था जी, इनको आप अपने किस वाहन से लेके आए थे यहाँ पे? जी जी, अपने सेल्फ वाहन से लेके। अच्छा, एम्बुलेंस भी नहीं थी वहाँ? कोई वहाँ पर सहायता करने के लिए उसके मंजूर नहीं था और जल्दी में था, इसीलिए मैं उसको लेके आ गया। इसमें एम्बुलेंस की कोई गलती नहीं है, अगर मैं फोन करता तो लेके पहुंच जाते। कितने लोग थे वहाँ पर करीब? वहाँ पर बहुत सारे लोगों भीड़ लगी, मैंने कोई वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई, मैंने किसी को नहीं देखा, तुरंत गया उसको उठाया, गाड़ी में बिठाया और लेके यहाँ आ गया। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम गोपाल द्विवेदी। कहाँ से हैं आप? मैं मिश्रक का रहने वाला हूँ जी। ओके भाई साहब, धन्यवाद।